मेडिटेशन साधना टेक्निक आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये भारत भूमि ऐसे योगी महापुरुषों से, सिद्धों से, सन्यासियों से, ऋषियों मुनियों से अभिभूत हुई है जिसका वर्णन हम नहीं कर सकते। ऐसे ही एक बड़े सिद्ध महात्मा हुए हैं श्री चंद जी महाराज। जी हाँ, ये गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। दोस्तों, मेरी इतनी योग्यता नहीं कि मैं श्री चंद जी का ठीक से वर्णन कर सकूं। दोस्तों, श्री चंद जी एक ऐसे महापुरुष थे, एक ऐसे सिद्ध थे कि जो कहते थे वो हो जाता था। इनके बारे में इन्होंने अनेक जो चमत्कार कहना चाहिए तो चमत्कार कह लीजिए, ऐसे किए हैं कि आज समाज उसको पढ़ के भी अचंभित रह जाता है। एक बार महात्मा श्रीचंद जी अधिकतर जंगल में ही रहते थे और वहीं आने वाले जिज्ञासुओं को धर्म का उपदेश देते थे। एक सप्ताह की समाधि के बाद वो उठे और उन्होंने भोजन के नाम पर थोड़ा सा गुड़ खाने की इच्छा जाहिर की। एक शिष्य भागा भागा गांव में गया और दुकानदार से कहा, भाई थोड़ा गुड़ दे देना। दुकानदार बनिया था। यहां बनिया का अर्थ किसी जात से नहीं है, उसके स्वभाव में जो कंजूसी है उससे है। उस बनिए ने, उस दुकानदार ने मना कर दिया, जबकि उस दुकानदार के पास गोदाम के गोदाम गुड़ भरा था। लेकिन उसको लगा, जिसको जरा सा गुड़ दे दूंगा तो पैसे तो मिलेंगे नहीं। उस शिष्य ने कहा, तुम्हारे गोदामों में इतना गुड़ है और तुम इसे देना नहीं चाहते हो? उसने कहा, नहीं नहीं, आपको कोई भ्रम हुआ है। वो दुकानदार बोला, मेरे गोदामों में तो मिट्टी भरी हुई है। बेचारा शिष्य श्री चंद जी के पास उदास होकर पहुंचा और उसने कहा, वो दुकानदार तो कह रहा है कि उसके गोदामों में मिट्टी भरी हुई है। श्री चंद जी ने कहा, हाँ तो वो ठीक बोलता है, बिना प्रमाण पाए तुम किसी को झूठ मत बोलो। ऐसा बताया जाता है मित्रों कि दुकानदार ने जब दूसरे दिन वो गुड़ का गोदाम खोला, वो गुड़ का कोठा खोला, तो सारा गुड़ खराब होकर मिट्टी हो गया था। दुकानदार ने अपना परिवार बुलाया और उस गांव का त्याग कर दिया और उसने कहा, ये ऐसे योगी आए हैं इस गांव में, अगर कुछ कह देंगे तो हो जाएगा, अगर कहीं मुझे श्राप दे दिया तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। महात्मा श्रीचंद जी मन के इतने निर्मल थे कि वो रोने लग गए। उन्होंने कहा, धिक्कार है जो मेरे भय से एक आदमी गांव छोड़कर गया। उन्होंने दुकानदार को बुलाया और कहा, वापस गांव में आ जाओ। दुकानदार बोला, महाराज हम संसारिक आदमी हैं, गलती हो गई तो आप श्राप दे देंगे, हमारा नाश हो जाएगा। महात्मा श्रीचंद जी ने उसे समझाया और कहा, भाई मैंने तो कोई श्राप नहीं दिया, मैंने तो तुम्हारे कहे का समर्थन कर दिया। हो सकता है तुम्हारे वचन तुम्हें फलीभूत हो जाए, तुम गांव में आ जाओ, अच्छे आदमियों की तरह सत्य और ईमानदारी का पालन करो। मैं क्या किसी भी महात्मा का श्राप तुम्हें नहीं लग सकता। दोस्तों, महात्मा श्रीचंद जी के जो वचन थे वो नियति करती थी। आपने हमारे ध्यान के पुराने वीडियोस को देखा होगा, जब आप सत्य बोलने लगेंगे तब आपको इसकी ताकत का पता चलेगा। अगर सत्य बोलेंगे, कम बोलेंगे, मन की धारणा मजबूत होगी तो जो बोलेंगे वो नियति पूरा करेगी। और संतों महात्माओं ने इसी शक्ति को ध्यान के माध्यम से संग्रहित किया होता है। महात्मा श्रीचंद जी एक ऐसे महात्मा रहे हैं जिन्होंने संसार को विभिन्न उपदेश भी दिए। भानाराम नाम का एक आदमी था, वो उनके पास आया और कहा, महाराज मेरे पिताजी घर छोड़कर सन्यासी हुए जा रहे हैं, किसी के समझाने से मानते नहीं है, आप उन्हें समझा दीजिए। श्रीचंद जी ने कहा, अपने पिता को मेरे पास भेज दो और तुम जाओ। भानाराम के पिता बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा, महात्मा ने संदेश दिया है मुझे बुलाने का, और श्रीचंद जी से बड़ा सन्यासी इस समय कोई नहीं, मुझे पक्का वो सन्यास की दीक्षा देंगे। वो उनके पास आया और कहा, महाराज मौका आ गया, मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे सन्यास दीजिए। श्रीचंद जी ने कहा, जाओ
पहले एक रात जंगल में रहकर आओ और वहां अनुभव करो, तब देखते हैं। और जो अनुभव हो मुझे बताना। वो व्यक्ति वन में चला गया। सुबह होने पे आया और महात्मा श्रीचंद जी ने उससे पूछा तो कहा, महाराज मैं रात में एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था, तभी ये कबूतर और कबूतरी सूखी डालियां और पत्ते तोड़ तोड़ कर मेरे सामने रख रहे थे। जब वो इकट्ठा हो गए मैं फिर भजन करने लगा। थोड़ी देर बाद देखा तो वो कबूतर, दोनों जो कबूतर और कबूतरी थे, एक जलती हुई डाली ले आए और मेरे सामने डाल आए। मुझे सर्दी थी और उस समय के वातावरण में भी बहुत सर्दी थी। उस आग और पत्तों की वजह से वो ढेर जल गया। मेरी आंखें बंद हो गईं, मैं भजन करने लगा। कितना आनंद आ रहा था, उन पक्षियों ने मुझे सहायता की। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि फड़फड़ की आवाज आ रही है। मैंने देखा दोनों पक्षी उस आग में गिर पड़े हैं और रो रहे हैं, फड़फड़ा रहे हैं। मैंने उन्हें निकाला पर वो बचा नहीं सके। मैं रात भर उनके शोक में बैठा रहा और प्रभात होने पर आपके पास चला आया। महात्मा श्रीचंद जी ने कहा, अब जाओ एक रात बस्ती में रहकर आओ और जो अनुभव हो मुझे बताना। वो व्यक्ति रात भर एक बस्ती में रहा और सवेरे आके बोला, महाराज मैंने देखा कड़ाके की सर्दी में एक साधु लंगोट पहने ध्यान कर रहा था। एक आदमी उधर से निकला और उसने कहा, यहाँ तो हमारे घर की बेटियां निकलती हैं, बहु बेटियां रहती हैं, तू यहाँ नंगा धड़ंगा बैठा है, भाग जाए यहाँ से। उस साधु ने कोई उत्तर नहीं दिया। उस आदमी ने साधु पर एक डंडा मारा और उसको घसीटता हुआ दूसरी तरफ डाल दिया। साधु ने कुछ नहीं कहा, उसका शरीर लहूलुहान हो गया। तभी एक दूसरा आदमी आया, उसने उस साधु की मरहम पट्टी की और एक शाल उड़ा दिया। साधु ने उसे भी कोई दुआ धन्यवाद नहीं दिया, अपने ध्यान में बैठा रहा। तभी सुबह हो गई और मैं आ गया। महात्मा श्रीचंद जी बोले, देखो जंगल के उस कपोत जोड़े ने तुम्हारे सामने सच्चे गृहस्थ का उदाहरण रखा है। उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति जाड़े में वृक्ष के नीचे बैठा है, उन्होंने तुम्हारे लिए ईंधन का प्रबंध किया, आग का प्रबंध किया, तुम्हारी भूख शांत हो जाए इसलिए खुद आग में डलकर अपने आप को भून दिया। और उस साधु ने तुम्हारे सामने सच्चे साधु का उदाहरण रखा, जो कष्ट में और सुख में एक जैसा रहता है, न मारने घसीटने वालों को बुरा कहता है, न सुख देने वालों को वरदान देता है। जिस प्रकार सुख दुख समान होता है, उस प्रकार सुख दुख देने वाले भी समान होते हैं। अब तुम सन्यास और गृहस्थ धर्म में जो चाहे ग्रहण कर लो। उस व्यक्ति की आंखें खुली और उसने कहा, महाराज मैं फिलहाल गृहस्थ धर्म में ही रहना चाहूंगा। श्रीचंद जी का उद्देश्य सफल हुआ और श्रीचंद जी ने उसको कहा कि जाओ अपने कर्म को पूरा करते हुए भी ध्यान में लीन रहो। दोस्तों हमारे पास भी अनेक मेल्स आते हैं, वो सन्यास ग्रहण करना चाहते हैं लेकिन जीवन की जिम्मेदारियां अभी उनके सिर उनके ऊपर है, उनके कंधों पे है। गृहस्थ धर्म में रहकर गृहस्थ का पालन करते हुए भी एक तुरिया अवस्था में रहना है, एक ऐसी अवस्था में रहना है सुख में सुख ना हो, दुख में दुख ना हो, तो गृहस्थ में रहते हुए भी आप सन्यासी ही हैं। हमारे ध्यान करने वाले साधक आज भी ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, महीने में दो महीने में वो केवल सांसारिक क्रियाकलापों के लिए ब्रह्मचर्य करते हैं, तो वो भी नैष्ठिक सन्यासी हैं, नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं। आप संसार में रहकर भी संसार में ओतप्रोत ना होइए, तो आप गृहस्थ में रहकर भी एक उत्तम कोटि के साधक हैं। हमारा श्रीचंद जी की कथा सुनाने का ये एक उद्देश्य था कि काफी सारे मेल्स का जवाब जो मुझे अलग अलग देना पड़ता है, एक स्टोरी दे देगी कि अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़िए और इस संसार में रहकर इसमें ओतप्रोत ना होकर सभी के कल्याण के लिए काम कीजिए। मेडिटेशन ध्यान साधना टेक्निक आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे